राजस्थान के जैसलमेर के कोलदरा की कहानी अलग ही एक अपने आप में कहानी है। कोलदरा जैसलमेर का समृद्ध नगर था जो आज खंडहरों के रूप में बिखरा पड़ा है, और इसको देखने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह नगर वीरान कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल 18 की टीम ने एक इतिहासकार से जानने की कोशिश की है कि आखिर यह नगर रातों रात वीरान कैसे हुआ, इसको छोड़कर जाने की क्या वजह होगी। कोलदरा जैसलमेर का एक बहुत ही समृद्ध नगर है जो आज चारों तरफ खंडरों के रूप में बिखरा पड़ा है। लोग जब इस खंडरों की यात्रा करते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि इतना बड़ा सुंदर नगर कैसे नष्ट हो गया, वहाँ के लोग कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए। हर आने वाला पर्यटक उसकी सच्चाई को जानना चाहता है। कोलदर जितना जैसलमेर पुराना है उतना ही कोलदर का इतिहास पुराना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उसके बाद रेलवे लाइन चालू हो गई, जहाज़ों से व्यापार होने लग गया, तो हमारा जो ऊँटों से व्यापार होता था कैमल करवा सूट वो सारा ही ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो उनके पास साधन नहीं रहे, बरसातों में अकाल भी पड़ने लग गए और डाकू और कई बाहरी लोग उस पर डाका डालने लग गए। इसलिए उनकी सुरक्षा का, उनकी समृद्धि का उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। इसके कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। बता दिए कि उस समय अत्याचार बढ़ गए थे और लोगों का जीवन बड़ा सुरक्षित हो गया था। सालम सिंह दीवान भी उसका जिम्मेवार है, क्योंकि सालम सिंह ने बड़ी भीड़ निर्दयता से उनके ऊपर टैक्स लगा करके बहुत सारे पैसे वसूल किए थे। अंतिम समय में उसने अपने साले के साथ मथुरा में करोड़ों रुपए भेज दिए थे। वो इस बात की साक्षी देती है कि सालम सिंह भी इस नगर को खाली करने का दोषी जरूर है, लेकिन ये एक ही रात में पाली वालों के जाने का कोई प्रमाण नहीं है। धीरे धीरे 10 साल के अंदर कम से कम 25-30 हज़ार घर खाली हो गए थे। उसमें जितने भी चारों तरफ पाली वालों के गांव बसे हुए थे, ओड़ा के, बुजकंठा के, बरियाड़ा के, खडाड़ के, और यहाँ बाप के, और वहाँ नाचना से दूर दूर से जो पाली वाले बसे हुए थे, उनको अपनी रोजी रोटी का उनके सामने बड़ी समस्या आ गई। इसलिए उन्होंने धीरे 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 करके और वहाँ जाकर के दूसरे राज्यों के अंदर अपना व्यापार स्थापित कर लिया, और व्यापार स्थापित करने के कारण से ये सारे गांव वीरान हो गए। तो वो धीरे धीरे यहाँ से जैसलमेर को छोड़ कर के चले गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारी समृद्धि को त्याग दिया और अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने जैसलमेर के कोलदरा को त्याग दिया। और आज उनके खंडहर बता रहे हैं कि ये कोलदर किसी समय कितना समृद्ध, कितनी संस्कृति का यहाँ पर वैभव रहा होगा। उसको देखकर देश विदेश के दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं।